हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करेंगे जे.जे. थॉमसन मॉडल के बारे में। सो जे.जे. थॉमसन एक बहुत ही उम्दा साइंटिस्ट हुए हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। इन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया था 19 सेंचुरी के आसपास, जिस मॉडल में इन्होंने सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया था। सो देखिए, थ्योरीज बहुत सारी अवेलेबल थी 19 सेंचुरी की बिगनिंग में। जैसे डाल्टन की एक थ्योरी अवेलेबल थी, जिस थ्योरी में डाल्टन ने बोला था कि जो एटम है उसके हम फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते, मतलब वह एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसके आगे टुकड़े होना पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे। तो लोग सब लोगों का ये बिलीव था, लेकिन सबसे पहले जे.जे. थॉमसन ने इस बिलीव को तोड़ा। कैसे तोड़ा, क्यों तोड़ा, किस लिए तोड़ा, ऐसा क्या उनके दिमाग में आया कि उन्होंने ये वाले बिलीफ को तोड़ा? तो आप ये सोचो कि 19 सेंचुरी की बिगनिंग में बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे जो कि डाल्टन के मॉडल में फिट नहीं बैठ रहे थे। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना होगा कि अगर हम स्केल को बालों से रब करें तो वो पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेवलप हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लोगों को समझ में आ रहा था, मैग्नेटिज्म के बारे में लोगों को समझ में आ रहा था। तो ये एक रेवोल्यूशनरी मॉडल जिसने एक नए एरा की बिगनिंग की, वो जे.जे. थॉमसन का मॉडल था, ठीक है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट जे.जे. थॉमसन ने अपने दिमाग में लिया कि एटम जो है उसके अंदर कोई तो ऐसा पार्टिकल है जो कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रांसफर होता है, और वो बॉडी अट्रैक्शन और रिपल्शंस के फिनोमिना को शो करती है, ठीक है। तो सबसे पहले जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जो है वो बताया कि एक ऐसा नेगेटिव चार्ज्ड फ्री पार्टिकल है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर जाता है जब भी उसको हम अगर रब कर रहे हैं, या किसी भी वे में वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हम करवा रहे हैं उसको, जिसके कारण जो रिजल्ट था वो अट्रैक्शंस का था, रिपल्शंस का था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जे.जे. थॉमसन मॉडल में था क्या। तो देखो, जे.जे. थॉमसन मॉडल जो था उसने सबसे पहले एटम को एज ए स्फीयर की शेप में, मतलब एक गोले के आकार में जो है एटम के बारे में बताया था, जिसका जो रेडियस था वो 10^-10 meters था, 10^-10 meters, ठीक है। तो अब मॉडल में था क्या, देखो अगर हम ध्यान से अगर इस चीज में फोकस करें तो इसमें देखो एक स्फीयर आपको नजर आ रहा है गोले के आकार का बना हुआ, 3-dimensional फोटो है ये इसकी, ठीक है। 3-dimensional वे में आप इसको अंडरस्टैंड करो। जो इसमें व्हाइट वाला पोर्शन है, जे.जे. थॉमसन ने सबसे पहले बोला कि ये जो व्हाइट वाला पोर्शन आपको नजर आ रहा है इस फोटो में, वो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज्ड मीडियम है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जिसका नाम इलेक्ट्रॉन्स है वो एम्बेडेड है। एम्बेडेड का मतलब है कि उसके अंदर वो पार्टिकल्स जो है वो फंसे हुए हैं, ठीक है। तो इस मॉडल को बहुत सारे लोगों ने पुडिंग मॉडल से कंपेयर किया, इस मॉडल को बहुत सारे लोगों ने वाटरमेलन मॉडल से कंपेयर किया। तो मैं आपको बताता हूँ पुडिंग मॉडल से कैसे कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि जो पुडिंग है उसके अंदर जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, ये ड्राई फ्रूट का काम है, जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज अ ड्राई फ्रूट विच इज एम्बेडेड इन अ पुडिंग। ऐसे ही कुछ लोगों ने इसको वाटरमेलन मॉडल से कंपेयर किया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो रेड वाला पोर्शन है वाटरमेलन का वो पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक उसके बीज हैं या जो डार्क ब्राउन उसके बीज हैं जो उसके अंदर एम्बेडेड हैं या उसके अंदर जो फंसे हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट आप प्लीज़ थोड़ा सा फोकस करो, मैंने यहाँ पे प्रोटॉन्स नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है पॉजिटिवली चार्ज्ड मीडियम, क्योंकि जे.जे. थॉमसन के टाइम पे प्रोटॉन की क्लैरिटी अभी नहीं आई थी, वो अभी उस क्लैरिटी को आने में थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि लोग अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो प्रोटॉन्स की क्लैरिटी जो है वो अभी तक उस टाइम पे लोगों को देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। तो
तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट अगर डिस्कस करूं तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रक्चर में एम्बेडेड हैं, ठीक है, वो ऐसे एम्बेडेड हैं कि बहुत ही एक स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम रिपल्शंस के साथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं, मतलब एक स्टेबल कन्फिग्रेशन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो थॉमसन प्रपोजल जो है वो अगर मैं एक पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूँ तो इसने क्या डिस्कस किया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं। इसका मतलब क्या है कि जितने पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हैं, एंड जो हमारा एटम है वो ओवरऑल क्या है, न्यूट्रल है, मतलब कोई भी चार्ज एटम के ऊपर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था उस पॉइंट पे, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा उस एरा में लेके जाऊं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स थे उसमें ये मॉडल जो है वो बहुत ज़्यादा एक उस एक्सपेरिमेंट के साथ फिट हो रहा था, उस एक्सपेरिमेंट की एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा था, ठीक है। तो सो द एटम जो था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था, जैसे एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर हम उसको किसी दूसरे एटम के साथ रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक एटम से दूसरे एटम में जाके रिकॉर्ड हो रहे हैं या एक एटम से दूसरे एटम में जाके प्लेस हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन्स इस पर्टिकुलर एटम को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर वो अपनी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन स्टेज में है तो कोई भी अट्रैक्शन और रिपल्शंस जो है वो देखने को नहीं मिल रही, ठीक है। तो अगर हम पॉइंट बाय पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस करें तो एक इसने बोला कि एटम जो था वो ओवरऑल न्यूट्रल था। दूसरा इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था वो क्या था कि मास जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है एक पर्टिकुलर एटम के अंदर, मतलब जो मास है, जैसे अगर मैं आपको समझाने के लिए बोलूं कि जो हमारे पास वाटरमेलन था उसमें जो रेड वाला पोर्शन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वैसे ही इस पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो यही सब थ्योरी की वजह से या प्रपोजल की वजह से जे जे थॉम्सन को 1906 में जो है वो नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, जिसमें उसने बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस की थी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द गैसेस के ऊपर, ठीक है। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।